आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 20 और 21 जून 2023 का। यह वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और अक्सर करंट अफेयर्स टॉपिक से सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस किए जाते हैं वह सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम्स में आने की इसकी संभावना ज्यादा रहती है। कल करंट अफेयर्स अपलोड नहीं किए थे तो उसको मिलाकर हम 20-21 का एक दिन का ही दोनों को मिलाकर अपलोड कर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जेल का नाम बदलकर रिफॉर्म होम्स करने का फैसला किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप में, उन्होंने जो जेल है, जितने भी जेल है उत्तर प्रदेश के, उनका नाम चेंज करके अब रिफॉर्म होम्स कर दिया जाएगा। तो यह फैसला जो है योगी सरकार ने लिया है, यानी योगी सरकार जो है वह अब जेल का नाम जो होगा उत्तर प्रदेश का, जितने भी जेल होंगे उसका नाम बदलकर अब सुधार गृह करना था। मेन इसका मोटिव यही था। अगला क्वेश्चन है, राइट्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कौन है? तो सही उत्तर इसका है दूरदर्शन और आकाशवाणी। इन दोनों को जो है भारत के शीर्ष विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में यह पहचान मिला है राइट्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। इसमें दूरदर्शन भी सही है और आकाशवाणी भी सही है। अगला है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में सुधार के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इसमें जितने भी ऑप्शन है सभी सही है। अदालत के हस्तक्षेप को कम करना ये भी सही है, पुरस्कारों को अंतिम रूप देने में तेजी लाना ये भी सही है, मध्यस्थता सेवाओं में एक प्रतिस्पर्धी वातावरण विकसित करना यह भी सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही है उपरोक्त सभी, यानी मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में सुधार के लिए जो गठित विशेषज्ञ समिति का प्राथमिक उद्देश्य है यह सभी इसमें है। अगला है, कमला सोहोनी कौन थी? इस पर हाल ही में गूगल जो है यह डूडल भी बनाया था कमला सोहोनी पर। तो यह वैज्ञानिक विषय में पीएचडी अर्जित करने वाली पहली भारतीय महिला थी, जो कि विज्ञान यानी साइंस में है। यह साइंस के क्षेत्र में पहली पीएचडी अर्जित करने वाली है भारतीय महिला थी, जिनका नाम था कमला सोहोनी। तो हाल ही में जो गूगल है वह डूडल बनाया था, इसलिए यह न्यूज में ज्यादा है। अगला है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में सुधार का सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो सही उत्तर है टीके विश्वनाथन जो है वह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में सुधार का सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कर रहे हैं टीके विश्वनाथन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीके विश्वनाथन। अगला क्वेश्चन है, लचीला केरल कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के 150 मिलियन ऋण का उद्देश्य क्या है? यानी विश्व बैंक जो है वह केरल को 150 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो तटीय कटाव हो रहे हैं या तट रेखा परिवर्तन को संबोधित करने के लिए जो है केरल सरकार के जो कार्यक्रम है, इसके लिए विश्व बैंक जो है वह 150 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा तटीय कटाव और तट रेखा परिवर्तनों को संबोधित करने के लिए। अगला है, किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना को शुरू किया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह योजनाओं से आती है। तो सही उत्तर है कर्नाटक जो सरकार है, राज्य सरकार, वह गृह ज्योति योजना को शुरू किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। और हाल ही में कर्नाटक में जो सरकार चेंज हुआ है, अभी कांग्रेस यहाँ सत्ता में है, तो यह इस योजना को लागू किया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो भी राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार हैं उनको आवास योजना के तहत आवास प्रोवाइड करना इसका मुख्य मोटो है। और अगले साल में लगभग, यानी अगले 5 वर्षों में लगभग 4.5 लाख परिवारों को आवास प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह जो योजना है उससे लाभान्वित वह लोग होंगे जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर घर अगर नहीं है तो उनको यह घर दिया जाएगा। तो गृह ज्योति योजना है, इसको कर्नाटक जो सरकार है वह शुरू किया है। अगला है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में सबसे ऊपर है?
तो सही उत्तर इसका है मध्य प्रदेश जो है वह सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में या सबसे ऊपर है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार मिला है। तो सही उत्तर है गंजम जिला जो कि ओडिशा में है उसको राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में गंजम जिला जो कि ओडिशा है उसको सर्वश्रेष्ठ जिले का यह पुरस्कार दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका गंजम जिला ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन है किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है। तो इसका सही उत्तर है जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत जो कि तेलंगाना में है। इस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत जो कि तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो सही उत्तर है गीता प्रेस जो कि काफी फेमस है यह है गोरखपुर में। यह गोरखपुर में स्थित है प्रेस है जो कि धार्मिक किताबों को यह पब्लिश करता है और हिंदू के जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं वह यहां से प्रकाशित होती है गीता प्रेस से। काफी फेमस है यह गोरखपुर में स्थित है गीता प्रेस गोरखपुर। इसको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 के लिए। अगला है किस मीडिया संगठन को राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। तो सही उत्तर है इसका आकाशवाणी गुवाहाटी। आकाशवाणी जो कि गुवाहाटी का है उसको मीडिया संगठन में राष्ट्रीय जल पुरस्कार में इसे दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। अगला है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल किशोर चटिवाल को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर इसका है कमल किशोर चटिवाल। अगला है रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है रवि सिन्हा को रॉ के नए प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। यह बिहार से यह बिलोंग करते हैं। तो सही उत्तर है इसका रवि सिन्हा। इसके पहले जो थे रॉ के चीफ वह थे सामंत कुमार गोयल जो थे वह इसके पहले रॉ के चीफ थे। इनके स्थान पर अभी रवि सिन्हा को रॉ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है नुसरत चौधरी को किस देश की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है नुसरत चौधरी को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर इसका थीम का बात करें तो इस साल का जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है इस साल का जो कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए हमारी साझा इच्छा का यह प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना प्रस्ताव रखा था योग दिवस के लिए। तो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य थे 193 सदस्य थे उन्होंने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सहमति व्यक्त किया था। तभी से योग दिवस जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मनाया जा रहा है और इस वर्ष जो है इसका 9वां संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह 9वां संस्करण है और इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रहेंगे वह अमेरिका की यात्रा पर है और यह अमेरिका में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सत्र का यह संबोधित करेंगे। अगला है संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 जून को। और इस वर्ष का जो विषय रखा गया है संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो विषय है वह संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को रोकने संबोधित करने और प्रतिक्रिया देने के लिए लिंग डिजिटल विभाजन को बांटना यह इस वर्ष का यह विषय है। अगला क्वेश्चन है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया जाता है।
इसका सही उत्तर है 18 जून को हर साल सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 18 जून। और इस वर्ष जो सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस का विषय रखा गया है स्थानीय स्वाद वैश्विक विरासत का संरक्षण। और पहली बार 21 दिसंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वह 18 जून को सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया था। अगला क्वेश्चन है हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर 18 जून को हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 18 जून को। इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 जून। अगला क्वेश्चन है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 20 जून को हर साल विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 20 जून। और इस वर्ष का जो विषय है विश्व शरणार्थी दिवस का वह है घर से दूर आशा, यह जो है इस वर्ष का विषय है या थीम है इस वर्ष का। अगला है राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 19 जून को हर साल राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह जो राष्ट्रीय पठन दिवस है या पीएन पानिकर की जो पुण्यतिथि है इस दिन को राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन्हें केरल राज्य के पुस्तकालय आंदोलन के पिता के रूप में भी जाना जाता था पीएन पनिकर को। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि इन्हें केरल के पुस्तकालय आंदोलन के पिता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो इन्हीं के पुण्यतिथि को मनाया जाता है राष्ट्रीय पठन दिवस। अगला है इंडोनेशिया ओपन 2023 में पुरुष युगल किसने जीता है। तो सही उत्तर है इसका सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। अगला है कौन सा देश विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप बन गया है। तो सही उत्तर है मिस्र जो है वह स्क्वैश चैंपियनशिप जीत लिया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मिस्र। और मिस्र ने मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है। तो सही उत्तर इसका है मिस्र। अगला है भारतीय राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का शुभंकर लॉन्च कर दिया गया है। तो इसका नाम क्या है, कौन सा शुभंकर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरा। मेरा जो है शुभंकर है। राष्ट्रीय खेल का जो 37वां संस्करण आयोजित किया जाएगा वर्ष 2023 में गोवा में, इसका जो 37वां संस्करण आयोजित किया जाएगा गोवा में। और मेरा का जो अर्थ होता है भारतीय बाइसन, या इसे गौर भी कहते हैं हम लोग। गौर अंग्रेजी में इसका GAUR गौर, भारतीय बाइसन या गौर इसे कहा जाता है, या इसे मेरा का मतलब हो गया भारतीय बाइसन। यह जो है 37वें राष्ट्रीय खेल है इसका शुभंकर है। अगला है किस देश ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 को जीता है। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत जो है वह लेबनान को हराकर तीसरी बार इंटर कॉन्टिनेंटल कप का खिताब अपने नाम किया है। और इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है वह फुटबॉल के क्षेत्र में से संबंधित है। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से है। वर्ष 2023 का खिताब किसने जीता है, भारत ने जीता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो कि और कौन कौन देश जीते हैं, तो 2018 और 2022 में जीता है भारत, और उत्तर कोरिया जो है उसको 2019 में यह जीता है खिताब को, और तजिकिस्तान जो है उसे 2021 में जीता है। तो भारत का यह तीसरा खिताब हो गया 2023 का। तो वर्ष 2023 का जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है भारत। अगर हम लोग इंटर कॉन्टिनेंटल कप की बात करें तो यह आयोजित किया जाता है भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। इसका आयोजन किया जाता है भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है वह, और सर्वप्रथम इसे आयोजित किया गया था 2018 में। और इसमें जो है चार टीम इसमें भाग लेती है, और यह जो चार टीम है इसको डिसाइड करता है कि कौन भाग लेगा। इसमें एक भारत तो इसमें फिक्स हो गया, और तीन अलग जो टीम है इसका डिसीजन करता है भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। और इस वर्ष जो है भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया उड़ीसा में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का, जिसमें भाग लेने वाली जो टीम है वह भारत, लेबनान, सीरिया और तजिकिस्तान थी, जिसमें भारत और लेबनान जो है वह फाइनल में पहुंचा था। इसमें भारत जो है वह 2-0 से जीत गया है। अगला है
कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो सही उत्तर है मैक्स वेस्टेपेन जो है वह कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किए हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मैक्स वेस्टेपेन। यह जो है रेडबुल के खिलाड़ी हैं मैक्स वेस्टेपेन। तो यह कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 20 और 21 जून दोनों दिन का है, कल अपलोड नहीं हुआ था। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब